used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close every minute in this hourglass, you hold. राम राम दोस्तों, राम स्वागत राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आर्यविद ब्लॉग में। न्यू ईयर का टाइम है तो खुल है बिल्कुल, नैनीताल इस टाइम पैक्ड है। और बाकी देख रहा हूँ यहाँ पे टूर कहाँ कहाँ हो सकता है, जितना भी होगा पूरा करने की कोशिश करूँगा। और बाकी मैं आपको वोटिंग वगैरह दिखाता हूँ यहाँ की। भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत है, उसी हिसाब से यहाँ पर नैनीताल में। तो यहाँ पर अब हम ब्रेड खिलाएँगे ठीक है, कुत्तों को सॉरी कुत्तों को नहीं खिलाएंगे, हम खिलाएंगे मछलियों को ब्रेड ठीक है। अब देखना कितनी सारी मछली आ जाएंगी, खट्टा घेरे में। अरे खट्टी घेरना चार पाँच, हमें कहाँ दिन लगाना है यहाँ पे, क्यों भाई देख घेर ब्रेड। और बाकी हवा चल रही है, बर्फ़ गिर सकती है वैसे। हाँ तो भाई बर्फ़ गिरने की पूरी पूरी संभावना है। चलो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। भाई बहुत ज़्यादा क्राउड है इस बार यहाँ पे, न्यू ईयर का टाइम है ना, तो इसलिए न्यू ईयर के टाइम पे सब आ रखे हैं यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए। दिल्ली साइड तो क्लब वगैरह बंद है, तो सब इसी साइड आ रखे हैं। अभी पता है क्या हुआ था, मैं एक साइड में बैठ गया तो नाव पूरी एक साइड को घूम रही है। इसका वेट बहुत ज्यादा है तो भाई डर लग रहा है यार। डरो मत, आराम से बैठा एंजॉय कर। अब मजा लेते हैं हम राइड का और आप लोग मजा लो टाइम लैप्स का। तो दोस्तों हम चल दिए हैं अब नैनीताल के सफ़र में, ताल के सफ़र में। और पानी, और पानी कैसा है यहाँ का? ओ भाई ठंडा पानी तो हमें तो पानी बहुत ठंडा है भाई, हमें नहीं लग रहा, हमें तो गुनगुना लग रहा है, गुनगुना लग रहा है। इस टाइम पे भी है ये पैसे कुछ बढ़ जाते हैं प्राइस, या सेम ही रहता है? सेम रहता है ऑल सीजन में, प्राइस ज़्यादा बढ़ते नहीं है, मतलब सेम ही रहता है पूरा। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर, नैना देवी का मंदिर है। तो ये नैना देवी का मंदिर है, नैना माता का। और इस साइड में पूरा वो ऊपर है 7 नंबर मल्ली का, वो हमारा घर है जहाँ उस साइड में घर में उनका वहाँ पे घर उस साइड में, इतनी दूर। तो वोटिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए, खाने और पीने के लिए। पीना तो यहाँ हो ही नहीं रहा है,
ठंडा बहुत हो रहा है तो पानी भी नहीं पिया जा रहा है यहाँ पे। और बाकी खाएंगे, इनमें क्या खाएगा, जो खाएगा जो भाई से जो खिलाया जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ की ठंडी रोड, और अभी हम आगे ठंडी रोड पे। यहाँ पे आप अगर कभी आओगे ना, मतलब जैसे कि जून जुलाई में भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तब भी यहाँ पे बहुत ठंडी मिलेगी आपको, मतलब पूरे ठंडी रोड है। और फील्ड में जाओगे तो वहाँ से गर्मी भी लगेगी, इस वाली रोड में ही तुम्हें ठंडी लगेगी, इस वाली और इस वाली तल्ली ताल वाली में, तो दो रोडों में बहुत ठंडी लगती है, इसलिए इसका नाम है ठंडी रोड। भाई खांसी हो रही है इतनी ठंड में, और मुझे ये हिम्मी ना वो खिला रहा है आइसक्रीम, ये खुद खा रहा है, झूठ बोला। भाई घर पे अगर घर वाले देखेंगे डांटेंगे खांसी वगैरह, इसलिए घर वाले ना देखे। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर ले। तो मैं तो कह रहा था इससे कुछ गर्म चीज़ खाते हैं, कुछ गर्म चीज़ लेके देख रहे हैं, नहीं आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम आ चुकी है हमारी, और पेमेंट मैंने कर दिया है, कर दिया ना, तो समझ जाओ खिलाया किसने मुझे। ये गलत बात कर रहा है, मैं पेमेंट जो दे रहा वही गवाएगा, तो मेरा दोस्त बताएगा किसने खवाई है, किसने खवाई बता, हिम्मी ने। और पेमेंट किसने करी है, पेमेंट तो मैंने करी है, किया है पैसा बहुत। वैसे नैनीताल में टैलेंट की कमी नहीं है, इसमें कम कमी है, देखिए अपना टैलेंट। दिखाऊंगा एक हाथ से छक्का मार के देखो। हाँ ये एकेडमी जाता है भाई, क्रिकेटर बनेगा, इसका सपना है मैं क्रिकेटर बढ़ूँ। एक चीज़ और, नैनीताल के कपड़े बहुत फेमस है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं साइड में। तो इसे खाने थे यहाँ मोमोज, और क्या यहाँ अंदर तक भीड़ लगी पड़ी है बिल्कुल भर के, खाएगा ऐसी जगह में ले जा रहे जहाँ भीड़ लगी है। वही जगह इनकी दुकान, इनकी हम क्या कर सकते हैं, नहीं उधर चलते हैं, चल छोड़ आ जा। खा लिए मोमोज तेने आज। नैनीताल का ग्राउंड है, यहाँ पे मैच वगैरह फुटबॉल वगैरह सब होते रहते हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी होती है सब होते रहते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है और उस साइड में मैच चल रहा है।